नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। क्या इस देश में हमारे हुक्मरानों को इस बात की परवाह है कि कोरोना पिछले साल जो लहर आई थी उससे भी कहीं ज्यादा उग्र होकर लोगों को टारगेट कर रहा है, और हुक्मरानों को कोई परवाह ही नहीं है, सरकार को परवाह ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में रैलियां बढ़ा दी हैं प्रधानमंत्री ने अपनी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 3 रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं आपको बताता हूं कोलकाता की क्या हालत है। आपके सामने टाइम्स नाउ की खबर है, गोदी मीडिया की। कोलकाता रिकॉर्ड्स सिंगल डे स्पाइक विथ 997 कोविड केसेस, डॉक्टर्स क्लेम ब्रेस फॉर वर्स्ट। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि अभी हालात और बदतर होने हैं, एक दिन में 1000 केसेस कोलकाता के अंदर। और मैं आपको बताता हूं कि देश के गृहमंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे, ये देखिए। कल रोड शो कर रहे थे वो पश्चिम बंगाल के अंदर, देश के गृहमंत्री, जिनकी पूरी निगाह इस बात पर होनी चाहिए कि देश एक दूसरी लहर का सामना कर रहा है कोरोना का, मगर वो इस तरह से चुनावी रैलीज कर रहे हैं। और इस भीड़ के बीच में क्या इस भीड़ ने कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन किया? बिल्कुल भी नहीं किया। क्या यहां पर कोई आपको मास्क लगाए दिख रहा है? बहुत कम, इक्का दुक्का लोग, अधिकतर लोग यहां पर हैं। और पश्चिम बंगाल में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं हालात क्या हैं। आपके स्क्रीन पर बंगाल में 4398 नए मामले कोरोना के पिछले 24 घंटों में, और पिछले 6 महीनों का यह अब तक का सबसे खराब आंकड़ा। यह है बंगाल की स्थिति, जहां बेरोक बेलाग चुनावी रैलीज कर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं। देश के प्रधानमंत्री आज 3 जगहों पर रैली कर रहे हैं। कौन सी 3 जगह है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। बर्धमान, कल्याणी और बरसात, 3 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलीज कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या किसी भी रैली में अब तक जो उन्होंने की है रैलीज, क्या देश की जनता से अपील की है कि आप लोग मास्क लगा के घूमें? क्या उन्होंने कभी किसी रैली में अपील की है कि आप बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें? क्या आपको परवाह है या चुनावों के चलते आप पूरे देश को, पूरी पश्चिम बंगाल की जनता को एक तरह से झोंक देंगे कोरोना की आग में? यही काम ममता बनर्जी भी कर रही हैं। मुख्यमंत्री हैं वो तो राज्य की, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक शख्सियत हैं, देश के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो इस तरह की चीजें करते हैं, आज उन्होंने अपनी रैलीज बढ़ा दी हैं, 3 रैलीज एक दिन में, ये सवाल है आपके गवर्नेंस पर, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है और कहा है कि ड्रामेबाजी बंद कीजिए और कोरोना मुद्दे का समाधान कीजिए। मोदी जी, आपने कहा था कोरोना की लड़ाई 18 दिन में जीती जाएगी, आपने घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी, कोरोना आगे बढ़ता गया और अब दूसरी वेव है और लाखों लोग कोरोना के शिकार हो गए। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए, और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। और सबसे दुख की बात है दोस्तों कि गुजरात मॉडल के नाम पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या होता है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह है, CRR पाटिल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोरोना के 5000 वैक्सीन लेकर चले जाते हैं और फिर बीजेपी के दफ्तर से लोगों को बांटने चलते हैं। पहली बात तो, एक बीजेपी का नेता 5000 कोरोना के वैक्सीन लेकर पहुंच कैसे गया? और जब यह सवाल पूछा गया विजय रूपाणी से, तो कहते हैं आप उन्हीं से सवाल पूछो। विजय रूपाणी जी, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको यह शोभा देता है कि आपको यही नहीं पता कि आपके नाक तले क्या हो रहा है राज्य के अंदर? क्या कहा विजय रूपाणी ने, बहुत ही हास्यास्पद उनका बयान है। कह रहे मुझसे मत पूछिए, CRR पाटिल से पूछिए, सुनिए उनकी बात। तो CR ने खबर, CR ने पूछो, पण CR पाटिले पोते सूरत नी चिंता करीने 5000 रेमडेसिविर नी एने कई रीते व्यवस्था करी छे ए CR नो आप पूछो तो तमने प्रोपर जवाब मळशे। सरकारे अलग व्यवस्था करी छे अने भारतीय जनता पार्टी तरफ थी जे वितरण नो कार्यक्रम छे ए पण अलग छे।
अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों क्या हालत है। यह है गुजरात की स्थिति। लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए। हालात बदतर हैं गुजरात के अंदर, और इस कदर बदतर हैं दोस्तों कि यहां पर गुजरात हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं आपकी स्क्रीन पर। Had it been stray news here and there, I could have ignored it. But the volume of reporting in the leading newspapers have nationwide circulation cannot be ignored. It is time that the court must intervene. ये बात कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस विक्रम नाथ कह रहे हैं गुजरात के अंदर कि अगर इक्का दुक्का मामले होते तो मैं इसे नजरअंदाज कर देता, मगर अखबारों के जरिए आ रहा है कि हालात बदतर बनते जा रहे हैं। गुजरात बेबस है, वहां की जनता 10-10 घंटे लोगों को शमशान घाट में इंतजार करना पड़ रहा है शवों को जलाने के लिए। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, ये सिहरन पैदा करने वाली तस्वीर है। आप जानते हैं कि जब आप शव को जलाते हैं ना तो आपको लोहे का एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। इस तस्वीर में देखिए वो जो लोहे का प्लेटफॉर्म है वो गल के दब गया है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लाशें जल रही हैं गुजरात के शमशान घाटों में, इनकी मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से, कि वो गल के दब गया है। और यही वजह है कि यहां पर दखल दिया है। मुझे खुशी है कि दिव्य भास्कर जैसे अखबार ने रीड दिखाई है। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए उनके फ्रंट पेज पे दोस्तों एक खबर छपी है जो आपके स्क्रीन पर है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से लगातार सवाल किया जा रहा था कि विजय रूपाणी जी आखिर सीआरआर पाटिल किस तरह से 5,000 कोविड के वैक्सीन बीजेपी के दफ्तर ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनसे सवाल पूछो। तो ये देखिए दिव्य भास्कर ने बाकायदा अपने पहले पन्ने पर सीआरआर पाटिल का फोन नंबर छाप दिया है, क्योंकि विजय रूपाणी तो कह रहे हैं उनसे सवाल पूछो। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी बुरी हालत तो बीमारू राज्यों की नहीं है, क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि बिहार में, यूपी में, तमाम जगहों पर जंगल राज है। गुजरात मॉडल की तो दुहाई दी जाती रही है, वहां पर लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और यहां पर मुख्यमंत्री पूरी तरह से बेबस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं विजय रूपाणी जी, अगर आपसे हालात नहीं समझ रहे तो आपको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप उस कुर्सी पर बने रहें, क्योंकि इससे पहले जब एक पत्रकार ने आपसे यही सवाल किया था तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया था आपके प्रशासन ने, मगर आप खुद बेबस दिखाई दे रहे हैं विजय रूपाणी जी। क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास? आप कह रहे हैं सीआरआर पाटिल से पूछो, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि विजय रूपाणी अमित शाह के आदमी हैं, सीआरआर पाटिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमी हैं, और दोनों में द्वंद चल रहा है। तो इन दोनों में द्वंद के चलते गुजरात की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। अजीबोगरीब हालात हैं दोस्तों यही हालत उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में हालात बेकाबू हैं। राजधानी लखनऊ में तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी। लोग इस कदर बेबस हैं, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मुलाजिम वो कोरोना से पीड़ित हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि लखनऊ के जो कलेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। ये बेबसी दिखाई दे रही है लखनऊ के डीएम की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, बहुत धीमी उनकी आवाज है मगर यहां पर देखिए, सुनिए शुरू में वो कहते हैं कि लोग सड़क पर मर रहे हैं। यह बेबसी है लखनऊ के कलेक्टर की, सुनिए। फिर आप अपना ICU बढ़ाते जाइए, दैट इज द क्लियर अबाउट इट। आइसोलेशन में डालिए, जहाँ भी डालना है डालिए, मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर। वो आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक ना? इनको क्या क्या और चाहिए, इनको क्योंकि लोग अब रोडों पे मर रहे हैं। और वहां क्या होता है दोस्तों, शामली में, उत्तर प्रदेश के शामली में जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, कुछ बुजुर्ग महिलाएं जाती हैं कोरोना का टीका लगाने, और वहां पर अस्पताल का प्रशासन जो है उनको कुत्ते के काटे का इंजेक्शन लगा देता है। सुनिए इस बुजुर्ग महिला को, ये हो रहा है यूपी के अंदर। जी हम तो अस्पताल में गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवान, और मारे तो उन्हें कुत्ते काटने का लगा दिया। जब मैंने पूछा भाई किस तरह का लगाया, कुत्ते काटने का लगाया, मैं कहा भाई इतना गलत कर दिया, मारे तो पूछा भी नहीं, बिना पूछे उन्हें लगा दिया। बस जी मारे बस हमारे दिमाग में चक्कर से आने लगे, हम तो वहीं बैठ गए। फिर तो आपने पूछा नहीं उससे कि कोरोना का है या नहीं? हमने ये पूछा भाई टिक्के लग रहे हैं यहाँ पे, कि हाँ जी टिक्के लग रहे, 10 रुपये का सिरिंज लिया और लगवा लो। बस जी हम पर्ची ला के बनवा लाया, जब तुम्हारी अम्मा जी के लगा दिया, एक और थी अम्मा जी उनके भी लगा दिया, हम मेरे भी लगा दिया। तो बाद में टोटल कितने आदमियों का लगाया? 3 के लगाया। और उसके बाद जब वहां पर
प्रशासन से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि देखिए उन्हें हमने दूसरे माले पर ले गए थे और गलती से उन्हें कुत्ते का इंजेक्शन लगा दिया गया, कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन लगा दिया गया, एंटी रेबीज शॉट लगा दिया गया। अरे भाई, एंटी रेबीज शॉट और कोरोना का टीका में जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग जब आए होंगे तो क्या उनसे सवाल नहीं पूछा गया होगा? क्या कह रही हैं ये महिला जो है, जो कि वहां पर स्थानीय अधिकारी हैं, सुनिए इनकी बात। कांदला सीएचसी प्रकरण में विस्तृत जांच प्राप्त हो गई है। जांच में पाया गया है कि तीन महिलाएं वहां पे कोविड वैक्सीनेशन कराने गई थी, परंतु भूलवश वो वैक्सीनेशन कक्ष में नहीं गई जो फर्स्ट फ्लोर पे स्थित था, बल्कि नीचे जनरल ओपीडी में चली गई और वहां पे जो मौजूद फार्मासिस्ट था वो कहीं आवश्यक कार्य से निकल गया और उसने बिना किसी को जानकारी में डाले एक प्राइवेट व्यक्ति जो जन औषधि केंद्र का फार्मासिस्ट है उसको नामित कर दिया एआरवी वहां पे लोगों को देने के लिए। उस व्यक्ति द्वारा इन तीन महिलाओं को बिना उनके कोई कागज देखे, पर्ची देखे एआरवी की वैक्सीन लगाई गई। हर तरफ बुरे हालात हैं। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपकी स्क्रीन पर? फोर्थ कोविड वेव इन दिल्ली, मच मोर डेंजरस। दिल्ली में हालात इस वक्त महाराष्ट्र से भी बदतर हैं। और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है दोस्तों? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये मन बना रहे हैं कि 14 अप्रैल के बाद संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों मुझे लगता है ये आलसी सियासत है। मैं जानता हूं कि उद्धव ठाकरे पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, मगर लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने फिर लॉकडाउन किया तो एक बार फिर धंधे तबाह हो जाएंगे। और लॉकडाउन आपको वहां करना चाहिए जहां के गरीब को रोटी देने का आपके पास प्रावधान है, क्योंकि अगर आप 20-25 दिन लॉकडाउन करते हैं तो गरीब जो है वो फिर भूखा मर जाएगा। इसलिए मेरी अपील उद्धव ठाकरे जी से कि लॉकडाउन के अलावा विकल्पों पर विचार करें। आप देख सकते हैं चाहे दिल्ली हो महाराष्ट्र, हालात बद से बदतर हैं। और मैं आपको बताता हूं बहुत ही खतरनाक खबर। ये वीडियो देखिए दोस्तों, हर की पौड़ी का है। यहां पर जैसे कि आप जानते हैं कुंभ मेला चल रहा है और कुंभ मेले से जो खबर आ रही है ना दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है। वहां दर्जनों की तादाद में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, इस खबर के मुताबिक ये तस्वीरें देख रहे हैं आप लगातार, इन तस्वीरों में यह पता चल रहा है कि लोगों की रैंडम टेस्टिंग हुई और उसमें दर्जन से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव निकल गए। कुंभ के अंदर लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और प्रशासन ऐसे ही रैंडम टेस्टिंग कर रहा है और उससे पता चल रहा है कि लोगों को कोरोना है। आप कल्पना कर सकते हैं जब ये लोग घर जाएंगे वापस तो किस तरह का वहां पर ज्वालामुखी फटने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो एक उन्होंने एक कानून, एक नियम लगाया था कि जिसके पास कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट नहीं है, नेगेटिव आरटीपीसीआर नहीं है, उसे इजाजत नहीं दी जाएगी। तीरथ सिंह रावत ने आखिर ऐसा क्यों किया? तीरथ जी, आपकी निगाह तो लड़कियों के घुटनों पर रहती है, उनके जींस पर रहती है, कम से कम गवर्नेंस पर ध्यान दे दीजिए। सरकार कैसे चलानी है उस पर ध्यान दे दीजिए मान्यवर। देश की जनता जो है वो कोरोना से जूझ रही है, हाहाकार मचा हुआ है। और मैं आपसे एक जानना चाहता हूं बात दोस्तों, एक साल हो गया, ठीक एक साल पहले लॉकडाउन शुरू हुआ था, पिछले एक साल में तो तैयारी हो जानी चाहिए थी ना, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए था। पिछले एक साल से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें क्या कर रही थी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री सुबह तो रैलीज अटेंड करते हैं, शाम को जाके मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहते हैं कि हमें मास्क पहनना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं पिछले एक साल से केंद्र सरकार क्या कर रही थी। आपने एक पीएम केयर्स शुरू किया था, हजारों करोड़ उसमें जमा हो गए। मैं जानना चाहता हूं उसका क्या हुआ। आपने लाखों की तादाद में, मिलियंस में कोरोना के टीके विदेश भिजवा दिए। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर आपकी जो बदनामी हो रही थी, नागरिकता बिल को लेकर जो आप लोगों को कुचल रहे थे, किसानों को कुचल रहे थे, उससे जो आपको बदनामी हो रही थी, उससे बचने के लिए आपने दुनिया भर में वैक्सीनेशन भेजना शुरू कर दिया, अपनी इज्जत को बेहतर करने के लिए। आपने यह भी नहीं देखा कि भारत में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। और अब हो क्या रहा है, वहां तो आप लाखों तादाद में वैक्सीनेशन भेज रहे हैं, आपके यहां पर हालात बद से बदतर बने हुए हैं। यानी कि हर तरफ देखिए दोस्तों, अपनी इज्जत को संवारना और कुछ नहीं। इनका जो गवर्नेंस काम है,
इनका जो बुनियादी काम है कि लोगों की सेवा करना, लोगों का ध्यान रखना, गवर्नेंस पर ध्यान देना, ये सरकार तो साहब 24 जिसे कहते हैं ना 12 महीने सिर्फ चुनाव लड़ती है, 12 महीने सिर्फ सियासत करती है, 12 महीने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है और 12 महीने सिर्फ अपनी इज्जत अफजाई करती है, अपनी खुद की इज्जत अफजाई करती है। मैं गलत कह रहा हूं? और आम इंसान के साथ क्या हो रहा है दोस्तों? मैं आपको मध्य प्रदेश की दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, हमारे संवाददाता काशिफ ककवी की यह वीडियो है। इस वीडियो में देखिए एक कोरोना पॉजिटिव आदमी को, खरगोन की यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के, कितनी बेरहमी से मारा जा रहा है। देखिए इस वीडियो को दोस्तों, सेहरन पैदा करने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि पुलिस वाला जो है उसके साथ एक महिला है, उसे बुरी तरह से धक्का देती है और उसको भी लाठी मारती है। और आप देख रहे होंगे लाठी जब मारी जा रही है ना दोस्तों, सिर पर मारी जा रही है। अरे पैर पे मारो यार, तुम अगर अपने अंदर की इंसानियत खो चुके हो तो सोच लो। एक वो बेचारा कोरोना से त्रस्त है, कोरोना पॉजिटिव है, वो कोरोना से वो नहीं मरा तो तुम्हारी लाठी से मर जाएगा वो। अब एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, ये भी काशिफ ककवी की तस्वीर है। क्या लिख रहे हैं काशिफ ककवी, पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। पुलिस ब्रुटैलिटी का मध्य प्रदेश से एक और मामला आज सामने आया है, जिसमें छतरपुर में अभय गुप्ता मेडिकल संचालक दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर हथखड़ियां डाल दी, जबकि मेडिकल वालों को छूट है। हालांकि कहानियों का एक ये पहलू है मगर भयावह है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उससे गलती हो गई, आपने उस पर उसके हाथ जो हैं उसमें हथकड़ियां डाल दी। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी काशिफ ककवी की खबर है, पर ये देखिए, मध्य प्रदेश अस्पताल सड़क से लेकर शवागृह तक सिर्फ रोने और चीखने की ही आवाजें आ रही हैं, बची कसर पुलिस कर रही है। अस्पतालों में बेड, डॉक्टर्स और ऑक्सीजन की कमी है, मगर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पीआर चौधरी दमोह में कुर्सियों को भाषण दे रहे हैं, लोग पहुंच नहीं रहे हैं क्योंकि लोग डरे हुए हैं। और यहां पर स्वास्थ्य मंत्री कोई और नहीं, स्वास्थ्य मंत्री कुर्सियों को भाषण दे रहे हैं। मैं आज आपसे समझना चाहता हूं, आम इंसान की तो आप हाथों में हथकड़ियां डाल देते हैं, आम इंसान को उसकी बीवी के सामने सिर पर लाठियां बांधते हैं जबकि वो कोरोना पॉजिटिव होता है, और यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो खाली कुर्सियों को रैलियां संबोधित कर रहे हैं। इनके लिए अब भी चुनाव जरूरी है, इनके लिए ये बात जरूरी नहीं है कि जनता में किस तरह त्राहिमाम मचा हुआ है। अरे कुछ तो जवाबदेही हो यार, कुछ तो जवाबदेही हो, उठो अपने निजी सियासत से ऊपर, देश की जनता की भी सोच लो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? इस कार्यक्रम में जो मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, इनमें से एक भी तस्वीर गलत नहीं है। क्या आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आपको इस सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए? और सरकार अपने कर्तव्य से पीछे कैसे हट सकती है? कुंभ की हालत हमने देखी दोस्तों, और मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। पिछले साल जमातियों को न्यूज चैनल्स ने कैसे टारगेट किया, ये दो स्क्रीन्स पर आपने, एक एबीपी न्यूज और न्यूज 18, दोनों ने जमातियों को और उसके बहाने मुसलमानों को कैसे टारगेट किया। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या कुंभ के बारे में इनके मुंह से ऐसा कोई शब्द निकलेगा? नहीं निकलेगा। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं, आपको कुंभ करना है आप करो, मगर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन कम से कम वहां उनसे अपील तो करे। नहीं करेंगे, इन्हें सिर्फ अपनी सियासत खेलनी है, इन्हें सिर्फ अपनी टीआरपी हासिल करनी है और कुछ हासिल नहीं करना। मैं आपको बता चुका हूं पिछले साल तबलीगियों को किस तरह से टारगेट किया था, और अब कुंभ को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है, उल्टा बेचारे जो कुंभ में जा रहे हैं उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है। एक अच्छा खासा नियम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बनाया था नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट का, उसे भूल गए लोग पूरी तरह से। तो न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.